जब सम्मिलित प्रयास करते हैं, सामूहिक रूप से कोई काम के लिए प्रयास करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। कहा ही जाता है कि 100 की लाठी एक की बोझ। कहने का मतलब है कि अगर उसको एक एक हाथ में अगर कोई ले ले तो वो लाठी है, अगर एक व्यक्ति को अगर 100 लाठी दे दे तो वो बोझ बन जाता है। सबसे पहले मित्रों, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने पिछले वीडियो पे जिस तरह से प्यार दिया और जिस तरह से अपनी आवाज़ बुलंद की कि पंचायत चुनाव होनी चाहिए, उसको लेकर थोड़ी सी सुगबुगाहट हुई है। कुछ नए अपडेट भी आए हैं, उस अपडेट पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले आपको हम बता दें कि इस वीडियो में अपडेट से ज़्यादा अपडेट जो भी मैं देने जा रहा हूँ वो सारे अपडेट जानते हैं। मैं पहले ही इस पर वीडियो बना दिया हूँ और ये बात अलग है कि अब उसी को निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग का मुहर लग गया है और बारी बारी से अपडेट अधिकारियों द्वारा जारी किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और पंचायत चुनाव होने के लिए, पंचायत चुनाव में विलम्ब न हो इसके लिए और पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए आप लोग अपनी आवाज़ कमेंट बॉक्स में बुलंद जरूर कीजिएगा। आप सब मेरे सुधी श्रोताओं को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो आवाज़ बुलंद किया है, बहुत सारी समस्याएँ समाप्त होने के कगार पे है। और मैं आप अपडेट के साथ यह भी बात करूंगा कि आखिर पंचायत चुनाव कौन नहीं होने देना चाह रहा है, इस पंचायत चुनाव को नहीं होने से किसको फायदा होने वाला है और इसके पीछे कौन से शक्तियां काम कर रही है, सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले जो एक दो अपडेट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो अभी निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रमंडलीय आयुक्त तो राज्य सरकार द्वारा पद से हटाए गए मुखिया या उप मुखिया चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव उनको लड़ने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार पंचायत राज अधिनियम यथा संशोधित की धारा 18 की उप धारा 5 के तहत जिन मुखिया या उप मुखिया को शक्तियों के दुरुपयोग या अपने दायित्व के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाने के आरोप में प्रमंडलीय आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया गया है और अपीलीय प्राधिकार या सक्षम न्यायालय द्वारा उन्हें आदेश को स्थगित या रद्द नहीं किया गया है, वैसे मुखिया उप मुखिया को पदच्युत किए जाने की तिथि से अगले 5 सालों तक कोई भी चुनाव लड़ने से पर रोक रहेगा। दोस्तों, इस पर मैं वीडियो बना दिया हूं और कैसे हटाया गया होगा अब हमें भी समझ में नहीं आया होगा आ रहा है और आपको भी जब ये जानकारी हो गई होगी कि जब लोक प्रहरी की नियुक्ति होने के बाद ही किसी को हटाया जा सकता है या सजा दिया जा सकता है तो हटाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, फिर तो हाईकोर्ट सब बहाल हो जाएंगे। खैर, यह अपडेट थी, सरकारी अपडेट थी, आपको बताना जरूरी है। और दूसरी अपडेट और भी जो आ रही है, जो पहले मैं बता दिया हूँ वो भी, लेकिन आज राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है कि जिस उस निर्वाचन क्षेत्र में कहीं भी नाम हो तो वह चुनाव लड़ सकता है। जैसे पूरे पंचायत में कहीं भी नाम हो तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, वार्ड का चुनाव लड़ सकते हैं, पंच का चुनाव लड़ सकते हैं और किसी भी उस प्रखंड में नाम हो तो आप मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं और सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं, जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए पूरे ज़िले में कहीं भी नाम हो तो लड़ सकते हैं। वही इसी तरह BDC मेंबर के लिए भी वही हाल है कि कहीं भी प्रखंड में नाम हो तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। यह अपडेट पहले से आपको पता है लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने उसे जारी किया है, जो अखबारों में छपा है, मीडिया में तैर रही है। ये बातें तो खैर हमारे जो सुधी दर्शक हैं, जो पुराने दर्शक हैं, उनके लिए कोई नई जानकारी नहीं है। हालांकि बार कभी भी मैं जानकारी लेकर आता हूं तो लोग कमेंट करते हैं कि सर पुराना जानकारी दे रहे हैं, आप लेट हो। मैं लेट नहीं हूं, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, ये सारे जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ। लेकिन चूंकि उस दिन कोई मंत्री बयान देते हैं या फिर कोई अधिकारी बयान देते हैं तो उस दिन मैं उसका अपडेट देने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, यह तिथि चुनाव आयोग द्वारा जारी अपडेट्स में जो आपको बता दिया मैं और जो पहले से ही आप जानते थे। हम बात करते हैं आखिर चुनाव में विलम्ब क्यों हो रहा है, कौन ऐसा शक्ति काम कर रही है कि चुनाव होने नहीं देना चाह रहा है। अभी मुझे पता चला, क्योंकि मैं जाते रहता हूं, लोगों से मिलते रहता हूं, आप भी पता कीजिएगा कि बिहार के सभी पंचायतों में लगभग 8 लाख रुपये की राशि आई है, नई राशि आई है और वो मुखिया के खाता में क्रेडिट भी हो गया है। अभी मुझे पता चला एक मुखिया से पहले क्रेडिट नहीं हुआ था। और डोंगल
जब उनके पास रहेगा तभी डोंगल जब बन जाएगा तभी उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं, राशि निकाल सकते हैं। अब यहाँ परिस्थिति है कि पैसे एक अंतिम क्षणों में पैसे आए हैं और एक तरफ मंत्री का और लोगों का बयान है, चाहे जो भी चुनाव विशेषज्ञ है उनका उनकी सोच है कि चूंकि अब जिस तरह से समय बीत गया है उस 15 जून के पहले शपथ ग्रहण नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में हर निर्वाचित क्षेत्र के लिए, चाहे हर पंचायत में प्रखंड में कहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन की बहाली होगी जो पैसे खर्च करेंगे। क्योंकि BDO ही मुख्य अधिकारी होते हैं तो पूरी की पूरी हर BDO साहब की उम्मीद है कि ये राशि उन्हें खर्च करनी पड़ेगी। और चूंकि यह राशि अगर मुखिया जी के खाते में मिल जाता है तो अंतिम समय है तो पूरे खर्च कर देंगे। अब BDO साहब सोच रहे हैं कि अगर हम कुछ देर विलंब कर देते हैं, जैसा कि उन्हें पता है, अधिकारी लोग के पता है कि अगर चुनाव समय पर नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन बहाल होगा और हम ही उसका मालिक हो जाएंगे उस राशि का, इसलिए जान से लेट कर रहे हैं। मुखिया का जैसा आरोप है, हर जगह से मिलने के बाद आप भी अपने जो नज़दीकी मुखिया होंगे, नज़दीक प्रखंड होंगे, इस चीज़ को पता कीजिएगा। सारे अधिकारी चाह रहे हैं कि हम पैसा अभी नहीं दें और समय खत्म कर जाए, उसके बाद अधिकारी खुद पैसा खर्च करें। इधर मंत्री का एक तरफ बयान आता है कि लोकतंत्र में 1 घंटे की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अधिकारी चाह रहे हैं कि लोकतंत्र के माध्यम से पैसा खर्च ही ना, पैसा खर्च हम करें। तो मुझे जैसा लगता है कि कुछ अधिकारी भी यही चाहते हैं कि चुनाव समय पर नहीं हो, और ये बार बार बहाना कि EVM की आपूर्ति में बाधा आ रही है, कोर्ट में बेंच नहीं बैठ रहा है, इसलिए चुनाव बाधित हो रहा है, तो मैं नहीं समझता हूं कि यह कोई मतलब अच्छा बहाना है। यह जो कारण है स्पष्ट नहीं है। जब नेताओं के लिए, चाहे किसी और कर्मियों के लिए कोई काम करना होता है, जब निर्णय लेना होता है, तो आपात बैठक बुलाकर कोई समाधान निकाल लिया जाता है। तो इस पंचायत चुनाव करवाने के लिए कोई बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही है, कोई आपात बैठक बुलाकर या कोई मिल बैठकर यह समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है? अच्छा, पिछले टर्म से लगातार बैलेट पेपर से चुनाव होते आया है और स्वच्छ चुनाव हुआ है, तो अगर इस बार ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो समय से चुनाव करवाने के लिए बैलेट पेपर की ही व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, बैलेट से चुनाव क्यों नहीं हो जा रही है? अब ये पूरे जो चल रहा है, जो खेल चल रहा है, जैसे बंगाल के चुनाव में कह रहे खेला होबे, यहाँ भी खेला होने की कगार पे है। और खेला सिर्फ इसलिए होने वाले कि जैसा पता है कि 8 लाख रुपया में ही नियत जब बिगड़ गया है, तो आपको पता है कि पंचायती राज विभाग ने 5,000 करोड़ रुपया जारी करने की बात कही की थी, जो एक पंचायत को लगभग 60 लाख रुपया पड़ता है। 1,200 करोड़ रुपये और जारी होने की बात की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। इतने सारे पैसे पंचायतों में आने वाले हैं। अगर चुनाव हो जाते हैं तो वार्ड के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से पैसे क्षेत्रों में खर्च होंगे। देखिए, आपस में हम लोग बात करते हैं कि मुखिया भ्रष्ट हो गए, पैसा लूट लिए, साइकिल से चलने वाले कार से चलने लगे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो साइकिल से चलने वाले वो कार से चलने लगे, लेकिन अधिकारियों के पास तो कोई कमी नहीं है। और पैसा मान लीजिए कि मुखिया जी के पास जाता है, वार्ड के पास जाता है, तो उसका ट्रांजेक्शन होता है, आपके जगह आपके जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ ट्रांजेक्शन होता है, उन बाजारों में पैसा जाता है, तो पैसा का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लाभ वहाँ के लोगों को भी मिलता है। लेकिन अधिकारी तो पहले से ही मोटे हैं। अगर ये पैसे उन्हीं के पास जाएंगे, हम मान लें कि मुखिया जी भ्रष्टाचार किए, कुछ काम नहीं किए, तो क्या अधिकारियों का किससे किसी से छुपा हुआ है कि अधिकारी उसमें संलिप्त रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो अधिकारी भी संलिप्त रहते हैं। जब लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है कि हम अपने विकास की रूपरेखा खुद तैयार करेंगे, आप जो पैसे विकास के आएंगे हम खुद खर्च करेंगे,
तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन बहाली की नौबत क्यों लाई जा रही है? दोस्तों, यह सोचने वाली बात है और आपने आवाज उठाया है, उसका असर यही है कि मुखिया के खाता में पैसे चले गए हैं, 8 लाख रुपया, डोंगल भी मिल जाएगा। लेकिन आप चुनाव के लिए आवाज उठाइए, आप जो भी आप कमेंट में लिखते हैं मैं उसे शेयर करता हूं, लोगों के पास भेजता हूं, और उसका नतीजा यह है कि लोगों को अब सोचना पड़ रहा है। तो मैं तो आवाज उठा रहा हूं, आप भी आवाज उठाइए, कमेंट में जरूर सरकार को लिखिए, उसको मेंशन करके लिखिए, पंचायती राज विभाग को मेंशन करके लिखिए कि चुनाव समय पर हो, ग्राम पंचायतों का शासन जो ग्रामीण चलाते हैं, जो अपने विकास की राशि वो खुद कर सके, ऐसी व्यवस्था हो। तो दोस्तों, यह आवाज शुरू हो चुकी है और आवाज अब आपको उठाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब आपसे ही उम्मीद करते हैं कि इस बार तो आप लाइक और कमेंट से पूरा ये वीडियो भर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।